नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर रहे तो पीएम मोदी से लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा हुई। प्रदेश के विकास से लेकर कैबिनेट विस्तार पर भी औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं का दौर चला। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन की भी मांग की तो वहीं कोरोना के मुद्दे पर भी कई सुझाव दिए। तो सीएम के दिल्ली दौरे में और क्या खास रहा, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके निवास पर मुलाकात की। उन्होंने कोरोना की मौजूदा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही सुझाव दिए कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था लागू हो। सीएम ने कहा कि पहले हेल्थ वर्कर, पुलिस कर्मी और राजस्व अमले को टीका लगे, इसके बाद बुजुर्गों को। सीएम ने मध्य प्रदेश की खस्ता माली हालत की भी जानकारी दी और बताया कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का अंश भी पूरा नहीं मिल पाया है। लगे हाथ उन्होंने राज्य सरकार को जीडीपी का 1% अतिरिक्त लोन लेने की अनुमति भी केंद्र सरकार से मांगी। उपचुनाव जीतने के बाद हुई पहली मुलाकात में शिवराज सिंह ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप प्रधानमंत्री को सौंपा। साथ ही बालाघाट क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि कोरोना काल के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियों को किस तरह बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 8 महीने में शिवराज सरकार ने जो योजना शुरू की उसकी भी जानकारी दी गई। पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला था, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में, जन कल्याण के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कोविड की स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की और वैक्सीनेशन की जो तैयारी चल रही है उसमें कैसे वैक्सीनेशन होना चाहिए, अनेकों प्रकार के विचार मेरे दिमाग में भी थे, हमने शेयर किए। जैसे कि जन जागरण अभियान ये भी चले कि बुजुर्ग या जो बीमार हैं या जिनको एक से ज़्यादा बीमारी है, या हमारे जो हेल्थ वर्कर है उनके साथ साथ पुलिस, रेवेन्यू और बाकी भी अमला जो इस काम में लगे रहते हैं उनको तो टीका लगे, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं, विशेषकर यूथ, युवा, एक अभियान ये चले कि वो खुद स्वेच्छा से कहे कि हमें टीका भी नहीं लगाया जाए, बाद में लगाया जाए। इसके अलावा माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर भी सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को अनौपचारिक रूप से जानकारी दी है। वहीं कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सीएम ने प्रदेश के विकास के मुद्दे पर चर्चा की। अब देखना यह है कि इस मुलाकात और दिल्ली दौरे का फायदा मध्य प्रदेश को कब तक और कैसे मिल पाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का दिल्ली दौरा कई मायनों में खास रहा। जहां एक ओर उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर फोकस कर पूरा रोड मैप पीएम मोदी के सामने रखा, वहीं दूसरी ओर 8 महीने की योजनाओं की पूरी रिपोर्ट उन्होंने पीएम मोदी को सौंपी। वहीं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लोन की मांग भी उन्होंने पीएम के सामने रखी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार के ऊपर भी चर्चा हुई होगी। अब देखना यह है कि इस मुलाकात का मध्य प्रदेश पर कितना असर पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र यादव के साथ मैं अनन्या चतुर्वेदी, डीएनएन न्यूज भोपाल। और चलिए सीएम शिवराज के इसी दिल्ली दौरे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास बातें रहीं या और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी। स्वागत करना चाहेंगे हम यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता बृजेश पांडे जी हमारे साथ में। बृजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रमेश शर्मा जी, सर आपका स्वागत करते हुए। पहले गोविंद जी, सवाल आप ही से, दिल्ली दौरे से एमपी को क्या हासिल होगा, क्योंकि कई मंत्रियों से भी मुलाकात हुई, पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई है, तो क्या खास बातें हैं सीएम शिवराज के इस दिल्ली दौरे की? लेकर केंद्र सरकार का सहयोग जरूरी है। लगातार सकारात्मक ढंग से मध्य प्रदेश की जो प्राथमिकताएं हैं उन पर अब मुख्यमंत्री जी ने इस उपचुनाव के संपन्न होने की, अब विकास और सुशासन को लेकर अपनी प्राथमिकताएं तय की हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, लगातार मंत्रिमंडल मंत्रियों से भी विचार विमर्श हो रहा है और सरकार से मध्य प्रदेश की
पूरी रिपोर्ट मंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर उसके बारे में पूरा ये डेलीगेशन और उनसे सब किसान और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबके लिए बात करने गए हैं। बिल्कुल, पीएम मोदी से जो चर्चाएं हुई हैं केवल रिपोर्ट सौंपी है या फिर प्रदेश के लिए कुछ सौगातें भी लेकर आ रहे हैं सीएम शिवराज? निश्चित ही मुख्यमंत्री जी के कार्यों से प्रधानमंत्री जी काफी प्रसन्न भी हैं और मध्य प्रदेश के हितों की भी चिंता उनको है और मध्य प्रदेश के लिए जितना भी केंद्र से योगदान चाहिए वो शिवराज सिंह जी हमेशा ही लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के हितों के लिए और लगातार मध्य प्रदेश को दिया भी है केंद्र सरकार ने, कभी विकास के नए रास्ते और नए आयाम खुले हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए वो जब सौगातें मिलेंगी तब, क्योंकि ये सब चीज़ें डिस्कशन में होती हैं, डिस्कशन के बाद में एक सिस्टम है उसमें वो जाता है और उसमें फिर मध्य प्रदेश के हितों के लिए कुछ उसमें से जो राशि मिलना है और जो नई योजनाएं नए कोई प्रकल्प मिलना है वो उसमें तय होते हैं। साथ में कांग्रेस प्रवक्ता तो प्रदेश जी, पहला कमेंट आपका सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे से, क्योंकि अब मजबूत विपक्ष है कांग्रेस अगर आप मानते हैं तो नज़र रखनी चाहिए कि भाई अगर दिल्ली गए हैं सीएम शिवराज तो क्या सौगातें ला रहे हैं, क्या चाहिए प्रदेश की, दरकार क्या है, मांग क्या है और हुआ क्या दिल्ली दौरे में। लेकिन कमेंट आपका पहले हम चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सीएम शिवराज के दिल्ली दौरे पर? देखिए बहुत सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ये पहली मरतबा दिल्ली में गए हैं। इसके पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 15 साल सरकार थी तो मुख्यमंत्री जी कई बार दिल्ली जाते थे और प्रधानमंत्री जी से मिलते थे, मध्य प्रदेश की कभी रोड मैप बनाने की बात करते थे, कभी आत्मनिर्भर भारत बनाने में मध्य प्रदेश की भूमिका के बारे में बात करते थे, कभी प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के कहते साहब हमारे मध्य प्रदेश की हालत बड़ा खस्ता है, हमको कुछ कर्ज दे दीजिए आप ऊपर से, कभी कहते थे GST का पैसा हमको दे दीजिए। मेरा सीधा सा सवाल है, अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र को सुन रहा था कि पिछले 15 सालों में से 13 साल सरकार उस समय शिवराज जी के पास थी और अभी 7-8 महीने से मध्य प्रदेश में सरकार शिवराज जी के पास है। मध्य प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर के लिए, मध्य प्रदेश के टूरिज्म के लिए, मध्य प्रदेश के एजुकेशन के लिए, मध्य प्रदेश के मेडिकल सेवाओं के लिए, इस पर शिवराज सिंह जी ने आज तक क्या पहल किया कृपा पूर्वक हमारे भाजपा प्रवक्ता बताएं, क्योंकि सत्ता बदली है, कांग्रेस से सत्ता का हस्तांतरण हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन जो विकास की प्रगति और विभिन्न योजनाओं की बात शिवराज सिंह जी हर बार जाकर के बोलते हैं, कभी इन्वेस्टर मीट की बात करते थे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्योगपतियों को हम बुलाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के बेरोजगार, मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का दलित आदिवासी समाज, वंचित समाज, मध्य प्रदेश का सामान्य वर्ग और मध्यम वर्ग, इनकी इनके इस लोक मोहन बातों को सुन सुन के अजीज आ चुका है। और मैं भाजपा के अपने प्रवक्ता मित्र से कहूंगा कि कृपा पूर्वक ये जो ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, कोर्ट में ट्रायल होता है 307 या 302 के केस का, ये ट्रायल बंद करके जमीनी हकीकत की बात करिए, जनता को आप बताइए कि हमने ये किया इस 15 साल में और अब जब गए हैं प्रधानमंत्री से मिले तो मध्य प्रदेश के लिए कौन सा पैकेज लेके आ रहे हैं, कौन सी GST की छूट लेकर के आ रहे हैं और कौन से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए हम एक नई कवायद करके आए। गोविंद जी क्या जवाब देना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम रमेश जी के पास जाएंगे। प्रदेश का जो सर्वनाश और जो बंटाधार कांग्रेस ने किया था उसके बाद जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में हुआ है और लगातार मध्य प्रदेश के हितों के लिए जब कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी UPA की, तब भी काफी संघर्ष करके लड़ाई लड़के उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन तक किया, तब जाके कहीं राशि मिलती थी और थोड़ी बहुत वो भी ऊंट के मुंह में चीरा, लेकिन जब से केंद्र में NDA की सरकार आई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से मध्य प्रदेश को काफी अलग अलग मदों में अलग अलग राशि मिली है। कृषि कर्मण अवार्ड इस बात का प्रमाण है कि मध्य प्रदेश के कृषि के हितों की चिंता और कैसे लाभ की खेती की जाए, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए लगातार प्रयास किए हैं। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी हैं और इसी से इन सारी चीज़ों से रोजगार भी बढ़ता है। मेरे मित्र को मैं बताऊंगा कि 15 महीने में मध्य प्रदेश के से जो रेवेन्यू जाना था केंद्र को वही घट गया, मध्य प्रदेश को पुल में चीज़ें मिलना थी वो इसके कारण बाधित हुई, क्योंकि एक सिस्टम बना हुआ है कि जो केंद्र को पैसा जाएगा राजस्व से उसमें से निश्चित प्रतिशत की राशि मध्य प्रदेश को मिलना ही है और ये उसके बाद
प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि हमको कम राशि मिली। अरे भाई, जब राजस्व ही कम आप यहाँ से उगाएंगे तो कहाँ से राशि मिलेगी? मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाया है, मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से पर काबू पाया है, किसानों को भरपूर इस बार समर्थन मूल्य पर पैसा मिला है, किसानों को इन्होंने तो केवल कर्ज माफी बिना किसी एक्सरसाइज के ही कर दी और उसके बाद लगातार बढ़ाते रहे। 15 महीने हो गए, उसके बाद भी उसके पास कोई रोड मैप नहीं था, चुनाव में भी इन्होंने कोई रोड मैप नहीं रखा कि हम कर्ज माफी कैसे करेंगे। हाँ, हम करेंगे। बार बार ये जिस तरह की फिजूल की बातें लफ्फेबाजी कर रहे थे उससे तो कम से कम हम इस सरकार ने लगातार काम किया है। लगातार अलग अलग मदों में अलग अलग विभागों से मध्य प्रदेश के लिए काफी रुपया आया है, लगभग 33,000 करोड़ रुपया इस दौरान हमारी सरकार के दौरान हितग्राहियों को मिला है। ये कहाँ से आया? ये कोई एक दिन में जादू की डंडी से तो आ नहीं गया, ये लाए हैं मध्य प्रदेश के लिए हितों की चिंता करते हुए, यहाँ के राजस्व की उगाही से और केंद्र सरकार से अपने हितों की प्रतिपूर्ति के लिए। तो मैं समझता हूँ कि मेरे मित्र को ये ध्यान रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, आधारभूत संरचना का विकास हुआ, सिंचाई, सड़क, बिजली, पानी, जब इनकी सरकार आई तो बिजली चली गई, सड़कें खुद गई, पानी जी। थोड़ा सा लंबा हो गया हमको और दूसरे गेस्ट पे, मैं आपके पास आता हूँ सवाल लेकर के, लेकिन उसके पहले रमेश जी, कितना खास आपकी नज़र में अब तक का सीएम शिवराज का दौरा, क्योंकि उपचुनाव के बाद, जीत के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले थे और कई समस्याएं हैं, जाहिर सी बात है कोरोना की वजह से हालत ख़राब हुई है, तो जो आपके पास जानकारी पहुंची क्या कहना चाहेंगे? मोटे तौर पर वाकई ये मुलाकात न केवल प्रधानमंत्री जी से बल्कि संगठन के पदाधिकारियों और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी इसमें चर्चा हुई है। तो इसमें मुझे लग रहा है 3-4 बात हुई होगी। एक तो चूंकि मध्य प्रदेश में स्वाभाविक रूप से आर्थिक थोड़ा संकट तो है, ये सरकार 7 महीने में 10 बार कर्ज ले चुकी और फिर थोड़ा GST का पैसा भी अपना रुका हुआ है, तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री से जो चर्चा हुई होगी कहीं ना कहीं आर्थिक दशा को लेकर के हुई होगी। और फिर हमारे लोन लेने की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल अब किनारे पर आती जा रही है, अब बहुत ज़्यादा लोन मिलने की संभावना कम है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसी स्थिति में एक तो आर्थिक स्थिति पर और जो बड़ी योजनाएँ हैं जो कि केंद्र के बिना पूरी नहीं हो सकती उन पर चर्चा, और चूंकि ये मुलाकात ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद पीएम की मुलाकात हुई, तो ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य भारत में खासतौर से ज्योतिरादित्य जी कई योजनाओं पर जोर देते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उन योजनाओं पर भी उनकी प्रधानमंत्री जी से चर्चा हुई होगी। दूसरी जो उनकी चर्चा हुई होगी कृषि मंत्री जी से, तो मान करके चलिए कि ये कहीं ना कहीं यूरिया का कोटा बढ़ाने को लेकर, चूंकि यूरिया के कोटे को लेकर के पिछले दिनों काफी चर्चा हो रही थी, बारदाने का कोटा भी बढ़ाने के लेकर के उनसे मांग हो सकती है। इसके अलावा मुझे लग रहा है संगठन से जो चर्चा हुई है, तो संगठन से जो चर्चा उनकी हुई है उसमें संगठन और मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में के को लेकर के उनकी चर्चा इस मामले में जरूर हुई होगी, और खास तौर से जो नए विधायक जुड़े थे और जो चुनाव हार गए हैं उनको किस तरीके से इस मामले में उनकी संगठन से चर्चा हुई होगी, इस विषय पर उनकी प्रधानमंत्री से चर्चा बिल्कुल नहीं हुई होगी। और केंद्रीय मंत्रियों में नरेंद्र तोमर जी से इस विषय पर उनकी चर्चा पहले हो चुकी है, उसके इस दौरे से कोई लेना देना उसका तो दौरे का नहीं है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश में बड़ी योजनाओं का क्रियान्वयन करना या उन्होंने और ज्यादा रिपोर्ट अगर दी होगी प्रधानमंत्री जी को तो वो दो विषयों की रिपोर्ट वो दे सकते हैं। एक तो किसान आंदोलन का मध्य प्रदेश पे क्या फर्क होगा, लव जिहाद का उसमें क्या फर्क होगा, और कहीं ना कहीं सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उस आधार पर उनकी कुछ न लाइन ऑर्डर को लेकर के, कोरोना को लेकर के कि किस तरीके से कोरोना पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी वैक्सीन को लेकर के, क्योंकि आज सवेरे केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल ही बयान जारी किया था कि वो 30 करोड़ वैक्सीन रवाना करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि वैक्सीन का कोटा बढ़े इस मुद्दे पर भी उनकी चर्चा हुई होगी। तो ये जो सारी की सारी चर्चा है, ये यात्रा है, पॉलिटिकल कम, प्रदेश के विकास की चर्चा ज़्यादा होगी, ऐसा मुझे दीपेश जी लगता है। बिल्कुल, तो प्रदेश के विकास पर, और ब्रजेश जी जो गोविंद मालू जी ने बातें कही उसमें और ऐड करना चाहूँगा कि आज औद्योगिक विकास को लेकर भी चर्चा हुई है कि उद्योगों का जाल बिछे मध्य प्रदेश में, और जाहिर सी बात है कि इससे रोजगार आएंगे और आर्थिक स्थितियाँ भी सुधरेंगी, तो ऐसे में नहीं लगता आपको कि भाई सीएम शिवराज जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप देकर आए हैं उस हिसाब से वो फिर वो पैकेज भी लाएंगे, वो सुविधा भी मांगेंगे, वो सहूलियतें भी मांगेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये दौरा बेहतर रहेगा सीएम शिवराज का दिल्ली दौरा? देखिए दीपेश जी, आप मध्य प्रदेश के पत्रकारिता के वरिष्ठ एंकर हैं, आदरणीय शर्मा जी, रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आदरणीय रमेश शर्मा जी की बात को ही आगे बढ़ा देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश का आर्थिक ढांचा शिवराज सिंह जी की सरकार के समय चरमरा चुका है। मध्य प्रदेश पूरी तरह कर्ज से डूबा हुआ है
उसके बाद अभी ये 7 महीने के लिए सिर्फ इनके पास सत्ता आई थी कोरोना काल के पीक आवर में, इन्होंने पीपीई घोटाला कर दिया। इसके पहले भी घोटालों की फेरिस्त थी, डंपर घोटाले से, व्यापम घोटाले से, नर्मदा घोटाले से लेके 1000 घोटाले मैं आपको गिना सकता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये, गोविंद मालू जी बात तो कर रहे थे लेकिन शायद ये भूल जाते हैं कि मातृवंदना योजना हो, गौ के कल्याण की बात हो, अन्नदाता किसानों की बात हो, गरीब कल्याण रोजगार योजना हो, जल जीवन मिशन हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, स्व सहायता समूह का सशक्तिकरण हो, स्ट्रीट वेंडर की बात हो, ये सारी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में लाया था और वचन पत्र में लाने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन किया था और काफी कुछ सफल हुए थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात दीपेश जी, मैं आपके माध्यम से इसे कहना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी दिल्ली जाते हैं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी से मिलते हैं, मध्य प्रदेश का किसान परेशान है, मध्य प्रदेश का किसान भी किसानों के इस महा आंदोलन में साथ खड़ा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या शिवराज सिंह जी दिल्ली से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर आंदोलनरत किसानों से मिलने जाएंगे। अपने को किसान पुत्र कहते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, चुनाव जीतने के बाद अपने खेत की जुताई करते हुए फोटो देते हैं, फोटो कैप्शन में लिखते हैं मैं एक किसान पुत्र हूं। तो क्या मैं इन किसान पुत्र से पूछना चाहता हूं इस प्रदेश के महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से कि क्या वो अन्नदाता किसानों की समस्याओं के लिए खड़े होंगे और वो अपनी सरकार से कहेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वापस ले, MSP लागू करे, कुछ नहीं करने वाले हैं। इनकी सारी बातें ढाल के 3 पास की तरह है, वास्तव में घबराए हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बढ़ते प्रभाव के बाद इनको लग रहा है कि सिंधिया जी की पूरी तरह से चलेगी और अभी जो 3 मंत्री सिंधिया जी के हार गए, सिंधिया जी के मंत्रियों को हमको कहीं निगम और मंडल में एडजस्ट करना पड़ेगा और उसके बाद सिंधिया जी मध्य प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी प्रभावी भूमिका में आएंगे इसके लिए वो प्रदेश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास गए हैं। ये एक भयावह स्थिति है भाजपा के अंदर। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे गुटों में बढ़ चुकी है, कैलाश विजयवर्गीय जी का अपना गुट चल रहा है देश के अंदर, उमा भारती जी अपना गुट चला रही है, शिवराज सिंह जी अपना गुट, बीडी शर्मा जी अपना गुट और सिंधिया जी का नया गुट। तो सिंधिया जी का गुट मध्य प्रदेश में वर्चस्वता पा चुका है और इससे घबरा करके, इससे संक्रांत होकर, ये कारण तो किसी ने खोजा ही नहीं। तो गोविंद जी जो कह रहे हैं ब्रजेश जी की, भाई सिंधिया जी के बढ़ते प्रभाव से घबरा कर दिल्ली में पीएम मोदी जी, ये क्या ये भी एक मुलाकात का कारण था? जी। और अब ये माइनस सिंधिया कांग्रेस की क्या स्थिति हुई, ये तो चुनाव में बता भी दिया है, अपने जो भी कुछ था वो सिंधिया जी का था और अब वो इस खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनको मलाल भी है, दुख भी है और वो बड़े कुंठित रूप से इस बात को बयान कर रहे हैं कि वो यहाँ ये कर रहे होंगे, काल्पनिक प्रश्न उड़ा रहे हैं, काल्पनिक हवा में बोलते कांग्रेस अभी तक लगा रही और चुनाव हारने के बाद भी वो कल्पना की उड़ान से नीचे नहीं आ रहे हैं। इनको जमीन पे आना चाहिए, जमीन की सच्चाई से अवगत होना चाहिए, जमीन की सच्चाई से रूबरू होना चाहिए। दूसरी बात, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर से मिले तो वो राजनीतिक क्षेत्र के दोनों कार्यकर्ता हैं, दोनों का बहुत अच्छा तालमेल है, दोनों मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर लगातार चर्चा करते हैं। कोई जिस तरह से सोनिया गांधी और कमलनाथ की पैसे को लेन देन को चर्चा होती थी कि कितने 150 करोड़ लाए, हमने तो 250 करोड़ बोले थे, तुम हमारे जेब में कितना पैसा रख के गए, ऐसी कोई चर्चा हमारे यहाँ नहीं होती है क्योंकि कांग्रेस में ये सब, क्योंकि अभी बीच में भी ये सब चीजें आई कि किस तरह कांग्रेस को इतना धन यहाँ से गया है, कांग्रेस को गया है, उनकी जेब में गया है, ये धन कोई प्रदेश के राजस्व से निकाल के कोई खाते में एंट्री करके तो नहीं दिया, ये दिया गया है भ्रष्टाचार की राशि, तो भ्रष्टाचार की बंदरमाट कांग्रेस करती है और उनकी चर्चा ही ये होती है, इनको पता ही नहीं उसके बाद कि विकास की चर्चा भी होती है, सुशासन की भी चर्चा होती है, योजनाओं की भी चर्चा होती है, क्योंकि कभी इन्होंने की नहीं, इन्होंने तो केवल भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार की बंदरमाट की। ये अपने दल में दिग्विजय सिंह को संभाल लें, सुरेश पचौरी जी को संभाल लें, अरुण यादव जी को संभाल लें, लेकिन चूंकि फ्रेंचाइजी इनके पास है इसलिए किसी को कुछ कह नहीं सकते और ये जो जितना भी कांग्रेस का विघटन हुआ है मध्य प्रदेश में वो इनकी असफलता का परिणाम, अपनी पार्टी को संभाल नहीं पाए, प्रदेश को क्या संभालेंगे। चलिए मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन रमेश जी इस बीच एक जो किसान आंदोलन वाकई जो मुद्दा छेड़ा और अब ये भी एक खबरें कि कल मुरैना से हो सकता है कई किसान जाएं किसान, और चूंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा फिर मिला है एंटी मोदी जो लोग हैं उनको कि इसमें कई चीज़ें शामिल कर दी जाएँ,
तो ऐसे में क्या आज इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी दिल्ली में? हालांकि सीएम शिवराज लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो कृषि अध्यादेश है उसके फायदे किसानों को बताए जाएं, चाहे वो कल प्रदेश की जनता के नाम उनका संबोधन था या फिर उसके पहले अन्य मंचों से इस तरह की जो बातें उन्होंने कही हैं या प्रशिक्षण वर्ग में भी उन्होंने ये जिक्र किया, तो ऐसे में क्या लग रहा है एमपी में क्या तैयारी है किसान आंदोलन को लेकर? ये निश्चित रूप से ये चर्चा का विषय तो आया होगा, ये चर्चा का विषय प्रधानमंत्री जी से भी आया होगा, कृषि मंत्री जी से भी आया होगा और संगठन के लोगों से भी आया होगा, क्योंकि नाम भले ही आ रहा है नरेंद्र तोमर अकेले का, क्योंकि उनकी तीन मंत्रियों से बात हुई है, तीन चार करीब छह मुलाकातें उनकी हुई हैं आज दिन भर में, तो वो ये विषय तो लगभग आया होगा। और उसका कारण है कि किसानों को लेकर के अव्यवस्था और अराजकता जैसी ना बने, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से तैयारी भी बताई होगी कैसी तैयारी है, और चूंकि मध्यप्रदेश सरकार जो प्रधानमंत्री जी ने 6000 की घोषणा की है उसमें मध्यप्रदेश सरकार 4000 जोड़ रही है, जी जी। तो ये बातें फिर किसानों के हित में राज्य सरकार ने क्या काम किए हैं, बहुत संभव है कि ये बातें उन्होंने बता दी होंगी, तो ये विषय जरूर आया होगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि ये बात ठीक है कि आंदोलन किसानों का हो सकता है, लेकिन इस पर अब जो जिस तरीके से लोग चेहरे आ रहे हैं, तो नारे आ रहे हैं, लोगों को बैनर आ रहे हैं, उससे मुझे लग रहा है कि इसमें पूरी एंटी मोदी लॉबी इसमें सक्रिय हो गई। इसमें खालिस्तान का ट्रैक्टर दिखा है, खालिस्तान का नारा दिखा है, वो फिर एक की बाइट दिखी है कि हमने इंदिरा जी के साथ ऐसा किया है, मोदी के साथ भी ऐसा कर देंगे, वो कुछ चेहरे भी दिखे हैं जिन्होंने का जो विरोध करते थे वो पूरे यहाँ नजर वो सारे यानी किसानों के आंदोलन को हाईजेक कर लिया, निश्चित रूप से हाईजेक करने की इसमें कोशिश हुई है। एक सवाल मैंने जो कई बार हर चैनल पर कहा है वो कहना चाहता हूँ, ये जो मौसम चल रहा है ये मौसम किसान को तो एक मिनट की फुर्सत नहीं है, जो दो फसल की खेती करते हैं उनको पहली फसल मंडी में पहुंचाना है और दूसरी फसल के लिए बोनी करना है, जो सिंगल की खेती करते हैं उनका पानी चल रहा होगा, कीटनाशक का और यूरिया डालने का मौका आ गया है, तो किस ऊपर सब्जी जो कि बरसात में सब्जी होती नहीं गलती है, बरसात में बोई जाती तो सब्जी की फसल इसी वक्त आई हुई होती है, तो फल की सब्जी फूल की सब्जी सॉरी सब्जी की फसल फल की फसल फूल की फसल और गेहूं की फसल, इन सब में किसान का तो ये समय जो है मैं समझता हूँ मरने का एक मिनट का नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम चार महीने का राशन लेकर कहीं आए हैं, तो ये कैसे किसान है, खेती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, चार महीने अगर वहीं बैठे रहोगे तो इनकी राशन का इनका खान पानी कौन चलाएगा? भारत में लगभग 80% ऐसा किसान है जो एक दिन अगर खेत पर नहीं जाए तो उसकी रोटी का संकट आ जाएगा, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ इसको हाईजेक कर लिया है किसानों के एंटी मोदी लॉबी ने आंदोलन को। बिल्कुल। एक लेकिन गोविंद जी आपसे सवाल है मेरा कि भाई आपने कहा था डबल इंजन की सरकार होगी, एक केंद्र की सरकार एक प्रदेश की सरकार 18 के चुनाव में, ठीक है, लेकिन अब ये जो आज खबर आई है वो ये कि भाई अपने ही GST के पैसे के लिए वो मिला नहीं है पूरा, और लोन के लिए भी मांग की गई है, तो ये आर्थिक जो एक जो मैसेज गया वो ये कि भाई खस्ता हालत है आर्थिक रूप से प्रदेश की, इस पर आपका क्या जवाब है? देखिए GST का जहां तक सवाल है, कलेक्शन यदि कम होगा तो राज्यों को भी कम बटेगा, ये एक सिस्टम का है हिस्सा है, लेकिन जहां तक वो दूसरे आर्थिक पहलुओं का सवाल है कि और अनुदान की राशि बढ़ाई गई है, दूसरे भी तरीके से प्रदेश सरकार को पैसा मिला ही है, तभी तो हितग्राहियों के खाते में भी पैसा जमा हुआ है और विकास के लिए भी पैसा मिला है। 26,125 करोड़ का लोन कांग्रेस ने लिया अपने रेजिम में, वो ये बताएं कि उन्होंने किया क्या, इसका कौन से विकास में खर्चा किया, कौन सी योजनाओं में खर्चा किया, उन्होंने बेरोजगारी भत्ते की बात की बेरोजगारों को ठगा, उन्होंने कर्ज माफी की बात की किसानों को ठगा, उन्होंने मजदूरों की बात की मजदूरों को ठगा, जिसकी बात की उसको ठगा, तो आखिर पैसा गया कहाँ, इस बात की भी जांच पड़ताल ये सरकार करेगी कि आखिर ये पैसा किस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जहाँ तक सवाल ये है कि आगे की, रमेश जी ने सही कहा कि इसमें कई खालिस्तान समर्थक घुसे हैं, कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए और सत्ता के स्वार्थ के लिए देश को तोड़ा, देश की संप्रभुता और देश की अखंडता की भी चिंता कभी नहीं की, चाहे खालिस्तान आंदोलन भी उनके द्वारा ही पहले उन्हीं के ये जितने भी पैदा किए हुए ये लोग थे जिन्होंने आगे बढ़कर और इस देश को एक नए आतंकवाद के आग में झोंक दिया, तो ये कांग्रेस का शुरू से एक रहा है कि सत्ता कैसे भी मिले, भले ही देश का कुछ भी हो, देश की संप्रभुता नष्ट हो, देश की सुरक्षा नष्ट हो, देश की सुरक्षा जी। हाँ रमेश जी,
मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति 30-35 साल से खराब है। जब पटवाजी ने 90 में सरकार संभाली थी, ये ठीक है कि तब प्रदेश पे कर्जा नहीं था, लेकिन करीब 8,000 करोड़ की देनदारियां बाकी थी। अच्छा। जब उन्होंने सरकार सत्ता संभाली, लेकिन जब पटवाजी ने सरकार छोड़ी थी तब 5,000 करोड़ का कर्जा लेकर के उन्होंने दिग्विजय सिंह को सरकार सौंपी थी, और दिग्विजय सिंह ने जब सरकार उमा भारती को सौंपी थी तब 35,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश पर था। दिग्विजय सिंह जी ने अपने काल में आर्थिक स्थिति के लिए उन्होंने कई कर्मचारियों की छटनी की थी, 28,000 कर्मचारियों को निकाल दिया था और बहुत सारे एक अनिवार्य सेवा निवृत्ति लागू की थी। फिर दिग्विजय सिंह जी ने सरकार छोड़ी तब 35,000 करोड़ का कर्जा, और फिर शिवराज जी ने जब सरकार छोड़ी तब 2.25 लाख करोड़ का कर्जा। तो मध्य प्रदेश की हालत 30-35 साल से ऐसी खराब चल रही है, और इसमें अब सुधार होने की कोई गुंजाइश नहीं है। और उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां बन रही हैं वो नीतियां उपार्जन की नीतियां कम, अब जैसे मान लीजिए किसानों को पैसा देना है, सब्सिडी देना है, या मान लीजिए संबल योजनाओं को लागू करना है, इन सब में सरकार का पैसा ही जाना है। अब जो अगर आपको आर्थिक स्थिति सुधारना होगा तो ये जो क्लस्टर योजना अभी मोदी ने जो लगाई है कि गांव का बना करके और सारे उपयोग और आपस में एक दूसरे तय करें, उसमें जो 15 वित्त आयोग की जो सिफारिशें आई हैं जो 1 अप्रैल से लागू होना थी, जो कोरोना के कारण नहीं हो पाई हैं, मैं समझता हूं 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अगर स्ट्रक्चर का बनना कोशिश की गई तो मैं समझता हूं उसी में देश आत्मनिर्भर होगा और आर्थिक स्थिति उसी में सुधरेगी। चलिए लास्ट कमेंट बहुत जल्दी से ब्रजेश जी आपका। गोविंद जी कह रहे हैं कि भाई आपने बुरी हालत कर दी थी 15 महीने में, इसलिए हमें फिर कर्ज लेना पड़ रहा है। हालांकि रमेश जी का और कुछ कहना है कि भाई वो तो 35 साल से इतनी खराब हालत हो गई है कि उसका सुधरना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में लास्ट कमेंट है ब्रजेश जी। देखिए दीपेश जी, रमेश जी ने बहुत सार्थक और तथ्यात्मक बातें की हैं। गोविंद मालू जी को ये समझना चाहिए कि 15 महीने में मात्र 13 महीने की शासन श्री कमलनाथ जी के पास था, और 13 महीनों में उन्होंने जो है अपनी दो पायदान से किसानों के कर्ज माफ किए, बिजली के बिल हाफ किए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के प्रावधान को बढ़ाया, यहाँ तक कि दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस देने की परंपरा शुरू किया, किसानों के लिए नई फसल बीमा सरकार लेके आई, किसानों के ऊपर और बिजली को लेकर के जो आंदोलन आपराधिक मुकदमे कायम हुए थे बीजेपी सरकार के समय, उन सबको वापस किया। इसके साथ साथ मैं अपने मित्र से कहना चाहता हूँ, शायद ये इस चीज को भूल जाते हैं कि शिवराज सिंह जी दिल्ली इसलिए गए हैं, जो ये नहीं बताना चाह रहे, मैं बता दे रहा हूँ। उन्हें लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव होना, सिंधिया जी ने आकर के इस बात की आहट दे दिया था कि देखिए अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में मैं अपने आदमी को बिठाऊंगा। सिंधिया जी से इतनी बुरी तरह से डरे हुए हैं कि अध्यक्ष का पद भी चाह रहे हैं, उपाध्यक्ष का पद भी चाह रहे हैं। ये तो बहुत ही नई बात लिया है आप। नहीं, ये मालू जी क्या कहना चाहेंगे, वो कह रहे हैं कि सिंधिया जी तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद भी चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ ये इनको जो है सत्ता पक्ष में रहने के बाद भी नहीं ना किसान की चिंता है, न युवाओं का चिंता है, न किसी चीज की कोई चिंता। जी मालू जी, हमारा संपर्क टूट गया। बहरहाल समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका, शुक्रिया ब्रजेश जी आपका, शुक्रिया गोविंद जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए दिल्ली दौरा हुआ है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, और उसमें कई अहम मुलाकातें हुई हैं। अब दिल्ली से क्या सौगातें मिली हैं, नहीं मिली हैं, और क्या कैबिनेट विस्तार अब दिल्ली दौरे के बाद यकीनन हो जाएगा, क्या निगम मंडलों में नियुक्तियां भी हो जाएंगी, और क्या प्रदेश संगठन का विस्तार भी होगा तो कब तक हो गया, यूं कहें कि दिल्ली दौरे का जो रिजल्ट है वो कितने दिनों में देखने को मिलेगा, इस पर अब सबकी नजरें हैं। फिलहाल आज सवाल तो पूछेंगे इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।